दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से ड्रैगन प्लांट लगाने से ज्यादा फल मिलता है। तो अगर आप ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों एक ड्रैगन प्लांट को काफी सारे तरीकों से उगाया जा सकता है, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है और जिससे ज्यादा फल मिलता है वही तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप ड्रैगन प्लांट को अच्छी तरह से उगाना चाहते हो और उसमें से ज्यादा फल पाना चाहते हो तो आप ये तरीका आजमा सकते हो। उसके लिए आपको चाहिए एक 8 फीट का पिलर और एक साइकिल या बाइक का टायर और दो छड़ी। उसके बाद आपको 3 फीट का एक गड्ढा खोदना है और गड्ढा खोदने के बाद उस गड्ढे के अंदर आपको एक और गड्ढा खोदना है 6 इंच का, और फिर 6 इंच के गड्ढे में आप उस पिलर को फिट कर दीजिए और अब आपको मिक्स किया हुआ मिट्टियों को उन गड्ढे में डाल देना है। और मिट्टी से गड्ढा भर देने के बाद अब आपको पौधा लगाना है। ध्यान रहे आप एक पिलर में सिर्फ 4 पौधा ही लगा सकते हो, उससे ज़्यादा मत लगाइए क्योंकि आगे जाके पिलर कमज़ोर जब हो जाएगा तब आपका पिलर टूट सकता है। और पौधा लगाते समय आपको एक और बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब पौधा लगा रहे हो तब आपको कोशिश करना है कि पिलर के एकदम पास में ही रहे, ताकि पौधा में से जब रूट्स निकलेगा तब वो पिलर को पकड़ सके। और आपका पौधा लगाने का काम जब हो जाए तब आपको एक नरम रस्सी की मदद से या फिर आप एक कपड़े की मदद से उन पौधों को पिलर के साथ बांध दीजिए और फिर उन पौधों में पानी दे दीजिए और बस आपका काम हो गया। दोस्तों मैंने आपको जो तरीका बताया इस तरीके से अगर आप ड्रैगन फ्रूट प्लांट लगाते हो तो फिर आपका दो बेनिफिट होने वाला है। एक तो आपको ज़्यादा फल मिलेगा और दूसरा ये प्लांट आपको लॉन्ग टाइम तक फ्रूट देता ही रहेगा। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और आपके जिन रिश्तेदार या फिर जिन दोस्तों का ड्रैगन प्लांट है आप उन्हें ये वीडियो शेयर कर दीजिए तो उनका भी हेल्प हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।